प्यारे प्यारे आकाली सलाम की पहचान नसीब फरमा जन्नत फिरदौस का बाग बना इन्होंने मुनकर नकीर के सवाल जवाब आसान फरमा या अल्लाह असीं सारे भाई इन्होंने मगफिरत वास्ते दुआ कर रहे हैं मौला मगफिरत फरमा या अल्लाह अगर मगफिरत हो गई मरहूम जन्नत फिरदौस पा फरमा या अल्लाह मरहूम के बच्चों मरहूम के वालदैन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिमत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। हमारे ही गांव के फौजी जवान मोहम्मद इमरान हवलदार हैं, जो कि फ़ौज में रोड एक्सीडेंट में शहीद हो गए। 29वें रमज़ान को वो वहाँ से निकले, सरगोधा में वो तैनात थे, वहाँ से वो निकले छुट्टी अपने घर के लिए, ताकि वो वहाँ पे ईद की छुट्टियाँ गुजार सकें। तो वो वहाँ से आ रहे थे, तो दो साथी इनके और भी थे फौजी जवान, और मोटरसाइकिल पर वो वहाँ से निकले और सरगोधा से, तो रास्ते में चलियोट में ये जो है हादसा पेश आता है, जिसमें जो है वो हादसा रक्षे के साथ पेश आया और मौके पर ही जो है मोहम्मद इमरान हवलदार जो और उनके साथी जो है वो शहीद हो गए, जबकि एक जो है वो शदीद ज़ख्मी है, उनका ताल्लुक भी जो है गोजरा से है। तो नाज़रीन, ये बड़ा ही इस वक्त जैसे कि अजीब एक मंज़र बना हुआ है। पूरा गांव उस वक्त जो है सोगवार में है और लोग जो है वो सब जो है इस वक्त गम के हालत में है कि ये अचानक कैसा वाक़ पेश आया है। और इनकी उम्र जो है 30 साल थी मोहम्मद इमरान की, और ये शादीशुदा थे, 2 साल की और 8 माह की 2 बच्चियाँ हैं इनकी, बेटियाँ हैं। तो बहाल ये एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़ पेश आया है, और वो छुट्टियों ईद के लिए जो है वो वहाँ से आ रहे थे, और बस ये रास्ते में जो है ये एक ऐसा वाक़ पेश आया, और रिक्शे के साथ उनका जो है वो एक्सीडेंट होता है, और जिसकी वजह से जो है उनको शदीद चोटें आई और मौके पर ही मोहम्मद इमरान और दूसरे जो साथी थे वो शहीद हो गए। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और सोगवारन को सब्र जुमले अता फरमाए। बस अल्लाह के काम है इसमें, इंसान का कोई जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता। तो फौजी एजाज़ के साथ इनको जो है सुपुर्द खाक किया गया, सलामी दी गई, फ़ौज के अफसरान भी शामिल थे नमाज जनाजा में, और लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी नमाज जनाजा में। तो बहाल ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़ पेश आया था। राम राम ना सर, राम कलमा शहादत। तू कुछ ले आओ यारो,
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون अब थोड़ी देर में जो है सलामी दी जाएगी और जो है बंदूकों से फायर भी किए जाएंगे, हवाई फायर किए जाएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं। امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ قبول فرما آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جمیع انبیاء علیہ السلام دی بارگاہ وچ قبول فرما آمین اقالی سلام دی ساری امت مسلمہ دی سارے سوال قبول مجو فرما آمین یا اللہ اس کورستان دے اندر جتنے مومنین مومنات مدفون نے سب دے سارے سوال قبول مجو فرما آمین خصوصا دے خصوصا سارے بھائی محمد عمران اے سارے سوال قبول مجو فرما آمین مرحوم دی قبر نو جنت الفردوس دا باغ بنا مرحوم نو قبر دے اندر اقالی سلام ये जी मरहूम इमरान के वालिद साहब हैं। कर्नल साहब हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। भाई इमरान साहब सरगोधा से 3 दिन के लिए ना नाइट पास आ रहे थे छुट्टी लेके, साथ में इनके 2 दोस्त भी थे। तो ये चनियोट बाईपास पे इनको शायद हादसा पे रिक्शे के साथ इनका तसादम हुआ, तो ये तीनों भाई के शदीद चोटें ले गई हैं। 2 भाई मौके पे ही जान बहक हो गए, शहीद हो गए। तो एक भाई के बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, वो काफ़ी सीरियस है और सरगोधा CMH हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, आपके भाई हैं? जी भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं आपसे? जी मेरे से बड़े भाई हैं। तो वैसे इनकी ड्यूटी कहाँ थी? इनकी ड्यूटी सरगोधा में थी। सरगोधा में? जी। तो ये छुट्टी मतलब इनके छुट्टी की छुट्टी के लिए 3 दिन आ रहे थे ईद के लिए। तो पीछे 100 बारन में बच्चे वगैरह? 2 बेटियाँ इनकी, 1.5 साल की बेटी है और 8 माह की बेटी है। जी तो नाज़रीन मोहम्मद इमरान को अल्लाह जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और बस वो जो है ईद के लिए जो है वो अपने गांव आ रहे थे, तो ये बस इत्तेफाक से जो है ये वाक़या पेश आया और वो जो है शहीद हो गए और एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट में। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके जो सोगवारन हैं उनको जो है सब्र जुमले अता फरमाए। बाहिमत पसंद सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।